रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेर सारी दुआएं और प्यार के साथ मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ मकरोनी की। ये देखे मैंने जल्दी जल्दी उन मकरोनी को ऊपर रखा है और उबाल ली है, क्योंकि टाइम कम होता है, मैं नहीं उबाल सकती आपको दिखाने के लिए। ये मैंने मुर्गी उबाल ली है, इसका मैंने मैक्स ही ख़त्म कर ली है। इसके बाद ये आलू हैं, ये भी मैंने काट के रख लिए हैं, धो के हल्के से मैंने उबाले हैं, ज़्यादा नहीं उबाले। और ये टमाटर गाजर है मेरी, गाजर को मैंने काट के गर्म पानी से ही निकाला है, उबाली नहीं है। ये केचप है, ये मेरे मटर हैं और ये टमाटर हैं, दो टमाटर मैंने काटे हैं। ये मैंने एक छोटा सा प्याज काटा है, ये मैंने कुछ एक धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा जो है खाली वो, और काली मिर्ची अंदर मैंने कूट के रख ली हैं, थोड़ी सी अंदर डाली हैं। ये मेरी पाउडर काली मिर्चों का पड़ा है। बस अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं चूल्हा जलाती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये मैंने तकरीबन खाने वाले 2 चम्मच आयल लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा आयल नहीं मुझे चाहिए, इतना सारा ही मैं आयल डालूँगी। अगर मुझे कम लगा तो मैं थोड़ा सा और भी शामिल कर सकती हूँ, फ़िलहाल तो मैंने इतने ही लिया है। जैसे जैसे ये बनती जाएगी आप देखते जाना, आयल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इतना आयल काफ़ी है। इसमें आ वेजिटेबल और जो मर्जी इसमें डालें, लेकिन बनता तकरीबन इतनी चीज़ों के हिसाब से ही है। मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से बनाना है। कुछ मेरी ज़्यादा ही मकरोनी हो गई हैं, हो सकता है मैं अंदर से रख भी लूँ। ये प्याज मैं डाल रही हूँ इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज़ों को मैं हल्का सा ब्राउन करूंगी। इसमें मैंने सब्ज़ चिली का नहीं इस्तेमाल किया। अगर ब्लैक ने पेपर आपको नहीं पसंद काली मिर्चें, तो आप बेशक रेड भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि काली मिर्चें डालनी है। इसमें चूल्हे का कोई अंदाज़ा नहीं है, हल्का या कम जितना मर्जी रखें। तेज़ ही चूल्हा रख के तकरीबन ये बनती हैं, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा गलानी नहीं होती, आपस में चीज़ें जुड़ ना जाएं। ये देखें हल्के से प्याज, बस मैंने ऐसे कलर ही चेंज किया है। उसके बाद मैं ये मुर्गी डालूंगी अंदर, क्योंकि मेरी मुर्गी ने जब तलना है तो साथ प्याज भी ब्राउन हो जाएंगे। इसके बाद ये अदरक लहसुन और इसके अंदर खुशक धनिया है और थोड़ी सी ऐसे काली मिर्चें भी मैंने डाली हुई हैं। ये इसके अंदर डाल के मैं बस इसे अब भून लूँगी। मुर्गी का जो स्मेल और मैक सी होती है वो हमने ख़त्म करनी है, जिसलिए मुर्गी को मैंने उबाला भी था ताकि मुर्गी का पता ना अंदर चले। मैं इस तरह बनाती हूँ। एक और भी इसका तरीका है, अगर नहीं भूनना चाहते, मुर्गी ना डालें, तो सारी चीज़ें पहले उबाल लें और उसके बाद उन्हें मिक्स करके और अंदर सोया सॉस और सिरका डाल के तो वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा ये बनता है। ये मेरी मुर्गी भुन चुकी है। सॉरी, मैं बताना भूल गई थी, नमक मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच। फिर मैं चख लूँगी, अगर कम हुआ तो और डाल लूँगी, टेस्ट कर लूँगी ना, तो फिर अगर कम हुआ तो और डाल लूँगी। ये देखिए, बस अब मैं सारी चीज़ें शामिल करती जाऊँगी। इसके बाद मैं आलू शामिल करूँगी। जी, ये आलू मेरे इसके अंदर शामिल किए थे, आलू वो हो गए हैं, तो मैंने ये डाल दिया है मटरों को। ये मैं गाजर डाल रही हूँ, ये देखें। इसके बाद फौरन ही मैं केचप डाल दूँगी इसके अंदर। केचप को थोड़ा सा मुझे चम्मच की मदद से डालना पड़ेगा।
ये काली मिर्च डाल रही हूँ मैं अंदर। ये सारी चीजें हो चुकी हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आखिर में बारी है मकरोनी की। ये इस तरह उबाल के रख लें आप, जो है ना से मिक्स करना है मैंने, हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि टूटे ना, गली होती है। आप सोच रहे होंगे कि टमाटर तो डाले ही नहीं, तो टमाटर मैंने एंड में डालने हैं, मेरे टमाटर टूटने ना पाए अंदर, ना गलें ना टूटें। टमाटरों का टेस्ट जब खाएं तो मुंह में अलग-अलग आना चाहिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का टेस्ट अलग-अलग आएगा। आप अपने घरों में जब बनाएंगे तो फिर देखना कि ये कितना अच्छा पास्ता बनता है। मकरोनी है, पास्ता भी इसी तरह बनता है, सिर्फ फ़र्क है कि ये मकरोनी है, वो पास्ता ले आए तो वो उबाल लें, लेकिन चीज़ें इतनी डलती हैं सारों में। मैं ये सारी चीज़ें उबालना भी सिखाऊंगी अपनी बेटियों बहनों को, सारा कुछ सिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल बड़ी वीडियो नहीं चढ़ा सकती इतने नेट पे, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ। पहले मैं उबाल के सारा तैयार करके आपको दिखाती हूँ सिर्फ बनाते हुए। ये देखें, इसमें कोई पानी नहीं मैंने डाला, कोई और चीज़ नहीं डाली। हाँ, एक और चीज़ है, सिरका और सोया सॉस, ये आप अगर पसंद करते हैं तो बेशक डालें खटास के लिए। एक बात और, इमली का पल्प भी आप निकाल के, वो इमली को भगो के और उसे मैश करके गुठलियाँ निकाल के वो भी डाल सकते हैं। बस अब मेरी ये तैयार हो गई है डिश। ये मैंने इसमें प्याज़ों को इस तरह डाला है, ये आप प्याज गलेंगे नहीं, चूल्हा मैं ऑफ कर दूंगी, बल्कि मैंने ऑफ कर दिया चूल्हा। ये मैंने टमाटर जो है ना इस तरह डाले हैं, प्याज भी गला लिए थे, मुर्गी सब कुछ मैंने पकाया है, प्याज इसको टमाटरों को मैंने नहीं पकाया, ये मेरे ऐसे कच्चे ही रहेंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं इसमें डोंगे में डाल रही हूँ। इसमें आप जहाँ पे मैंने डाले हैं ना टमाटर कच्चे, इस तरह कच्चे टमाटर भी डाल सकते हैं और कच्चे प्याज भी ऊपर शामिल कर सकते हैं आप काट के, उनका जिन्हें वो उनका टेस्ट पसंद है वो डाल लें। तो मेरे बच्चों को नहीं पसंद कच्ची चीज़ों का, टमाटरों का तो टेस्ट पसंद है, प्याज़ों का नहीं पसंद, तो मैंने प्याज अंदर भून लिए हैं। मैंने आगे वीडियो में टमाटर डाले हैं और मैंने प्याज कह दिया, क्योंकि प्याज जो है ना मुझे पसंद है कच्चे, बच्चे नहीं पसंद करते, इसलिए फिर मैं नहीं डालती। ये देखें, जब चीज़ डालें डोंगे में बिल्कुल आगे पीछे नहीं लगी होनी चाहिए। ये मेरे डोंगे में डाल गई है जी। चलें ठीक है जी, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।